friends, welcome to Allotrop Classes, one step ahead for learning where we help you to achieve your goals. Students, आज का हमारा टॉपिक है एलिमेंट्स. एलिमेंट्स क्या होते हैं? वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी हैं जो किसी भी प्योर सब्सटेंस को या किसी भी सब्सटेंस को एलिमेंट कहलाती हैं, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि वो प्योर सब्सटेंस आपका एलिमेंट है. ठीक है, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, वो कितने टाइप के होते हैं, आज हम इस वीडियो में यही सब डिस्कस करने वाले हैं. ओके भाई, देखते हैं एलिमेंट्स क्या होता है. बच्चों, एलिमेंट्स के बारे में सबसे पहले साइंटिस्ट थे रॉबर्ट बॉयल. उन्होंने इस वर्ड को डेवलप किया था, मतलब फर्स्ट ये वर्ड जो दिया था एलिमेंट, वो किसने दिया था? रॉबर्ट बॉयल ने, इन 1661. ठीक है, बट उन्होंने इसकी डेफिनेशन वगैरह नहीं दी थी, इसके बारे में डीप स्टडी नहीं की थी. फिर हमारे एक रशियन केमिस्ट हुए, फ्रेंच केमिस्ट जो हमारे थे, एंटोनी लेवोइसियर. थोड़ा टिपिकल लगेगा आपको नहीं, बट ये आपको याद रखना होगा क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाला है. एंटोनी लेवोइसियर, इन्होंने एलिमेंट की डेफिनेशन दी, एलिमेंट्स के बारे में डीप स्टडी की और उसके बारे में हमें बताया कि वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जो एक सब्सटेंस को एलिमेंट कहलाने लायक होती है, मतलब एक कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जिनके बेसिस पर हम बता सकते हैं कि वो गिवन सब्सटेंस आपका एलिमेंट है. ठीक है, तो उन्होंने जो डेफिनेशन दी वो ये दी कि एलिमेंट जो है किसी भी सब्सटेंस की वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स जिससे कि मिलकर वो बना है. ठीक है, वो सिंपलेस्ट फॉर्म है, वो बेसिक फॉर्म है जो कि ना तो डिसोसिएट हो सकती है अपने पार्ट्स में, ना ही वो फॉर्म की जा सकती है, ना ही उसे बनाया जा सकता है, ना ही हम उसे तोड़ सकते हैं. तो ये वो सिंपलेस्ट फॉर्म है या बेसिक फॉर्म है किसी भी प्योर सब्सटेंस की, विच कैन नाइदर बी ब्रोकन नोर बिल्ड अप. ठीक है, जिसे हम ना तो तोड़ सकते हैं, ना ही सिंपल सब्सटेंस से बना सकते हैं किसी भी फिजिकल या केमिकल मेथड से. ओके क्लियर, तो एलिमेंट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द सिंपलेस्ट और बेसिक फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस विच कैन नाइदर बी ब्रोकन into nor form from simpler substances by any physical and chemical method. Okay, थोड़ी लेंथी हुई, अभी इसी को हम शॉर्ट भी करेंगे. एलिमेंट जो फर्स्ट डेफिनेशन दी थी वो यही थी कि एलिमेंट वो सिंपलेस्ट या बेसिक फॉर्म होते हैं किसी भी प्योर सब्सटेंस की, जिन्हें ना तो हम तोड़ सकते हैं, ना ही उसे बना सकते हैं सिंपल सब्सटेंसेस से किसी भी फिजिकल या केमिकल मेथड से. ठीक है, अब इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म देख लेते हैं आप, ये आपको याद ना हो तो आप जो स्मॉल डेफिनेशन है इसकी, शॉर्ट डेफिनेशन है, वो भी आप लर्न कर सकते हैं. ठीक है, तो एन एलिमेंट इज defined as a pure substance an element is defined as a pure substance that contains only one kind of atoms. ये सिंपल हो गए, याद भी हो जाएगी आपको. एलिमेंट एक ऐसा प्योर सब्सटेंस है जिसमें केवल एक ही टाइप के एटम्स प्रेजेंट हो. ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं हम इनके. फॉर एग्जांपल आयरन, सभी ने देखा हुआ होगा. ठीक है, आयरन का जो डिनोटेशन है उसे हम Fe से डिनोट करते हैं. ठीक है, तो Fe का ये एक एटम हो गया. अगर हम बहुत सारे देखिए आयरन का हम एक ब्लॉक ले लेते हैं, ठीक है, उसे आप तोड़ना शुरू करते हैं तो वो टूटता जाएगा, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स हो जाएंगे, बट वो छोटे छोटे पार्टिकल्स भी होंगे तो आयरन ही ना. ठीक है, तो चाहे उसे कितना भी छोटा कर लीजिए बट वो होगा आयरन ही, इसका कोई भी पार्ट्स नहीं है, मतलब इसे नहीं हम डिसोसिएट कर सकते, ना ही तोड़ सकते हैं.
तो एफी 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 ये सभी मिलकर जब बनाते हैं, ये सेम टाइप के एटम्स हैं हमारे जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ठीक है। इस टाइप से एटम्स के, आयरन के एटम्स आपस में जुड़ते हैं, ठीक है, और बिग सब्सटेंस में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। और भी है, जैसे कि हमारा आयरन ले लिया हमने, एल्यूमिनियम, कॉपर, क्रोमियम, कोबाल्ट, फास्फोरस, सल्फर, ये सभी जितने भी मेटल्स हैं मोस्टली ये क्या है, एलिमेंट्स हैं, इन्हें आप डिसोसिएट नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, वाटर, H2O, क्या ये भी एक एलिमेंट है? नहीं। देखिए H2O को आप डिसोसिएट कर सकते हैं केमिकल मेथड से। जब वाटर में हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो वो डिसोसिएट हो जाता है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, ठीक है। डिसोसिएट हो रहा है, हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हो रहा है और ऑक्सीजन का, ये दोनों एलिमेंट्स हैं, क्योंकि आप इन्हें डिसोसिएट नहीं कर सकते, ये आपका क्या है, कंपाउंड है, ये आपका क्या है, कंपाउंड। इसका मतलब क्या हुआ कि एलिमेंट से मिल मिलकर क्या बन रहे हैं, आपके कंपाउंड्स बन रहे हैं। मींस वी कैन से दैट एलिमेंट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल कंपाउंड्स। एलिमेंट्स ही कंपाउंड्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, जो आपस में कोलैप्स करके, आपस में बॉन्ड कर करके, बॉन्डिंग करके क्या बना लेते हैं, कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ओके। ये जो एटम्स हैं, जो हमने एटम लिखे हैं, ये इनकी सभी प्रॉपर्टी सेम होती है। भाई आयरन के आयरन से दोनों एटम सेम ही तो है, तो ये हर कंपोजिशन में एक दूसरे से सेम होगा, चाहे वो मास हो, चाहे वो साइज हो, चाहे वो शेप हो, चाहे वो कंपोजिशन हो, सभी प्रॉपर्टी इनकी सेम होगी। ऐसा नहीं कि आयरन की इससे सेम होगी सल्फर से, आयरन की आयरन के दूसरे एटम से सेम होगी, ठीक है। ऐसे ही सल्फर की सल्फर के दूसरे एटम से सेम होगी, फास्फोरस की फास्फोरस के दूसरे एटम से सेम होगी, ठीक है। अब एलिमेंट्स हमारे टोटल ओवरऑल बच्चों, हमें अभी तक 118 एलिमेंट्स के बारे में हम जानते हैं, ठीक है। अभी तक 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं, जिनमें से 90 एलिमेंट्स आपके नेचर के थ्रू हमें मिले हैं, जबकि जो रिमेनिंग 28 हैं वो सिंथेसिस प्रॉपर्टीज यानी कि सिंथेसिस मेथड्स के थ्रू आपके बनाए गए हैं, मैनमेड है, ठीक है, नेचुरल नहीं है। इनमें से सभी प्रॉपर्टी पाई जाती हैं, जैसे कि ये सॉलिड में भी मिलते हैं, सॉलिड स्टेट में, लिक्विड में भी मिलते हैं, गैस में भी मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आयरन है हमारा ये, ठीक है, तो आयरन, एल्यूमिनियम, ये सभी जो मेटल्स हैं वो सभी हमेशा क्या होती है, सॉलिड फॉर्म में मिलती है। लिक्विड में क्या है, जैसे कि हमारा ब्रोमीन हुआ, ब्रोमीन हमारा किस फॉर्म में मिलता है, लिक्विड के फॉर्म में, मरकरी। आई होप आपने जूनियर क्लासेस में ब्रोमीन नहीं पढ़ा होगा, पर मरकरी जरूर पढ़ा होगा, भले इसका सिंबल ना पढ़ा हो, पर आपने पढ़ा होगा कि मरकरी क्या है, एक लिक्विड मेटल है, ठीक है। तो मरकरी हमारा क्या होता है, लिक्विड की फॉर्म में मिलता है, ऐसे ब्रोमीन भी हमारा लिक्विड की फॉर्म में मिलता है। गैस की फॉर्म में कैसे मिलता है, जैसे कि यह है हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये सभी हमारे क्या है, गैसेस है। तो हमारे एलिमेंट सॉलिड, लिक्विड और गैसेस सभी शेप में, सभी स्टेट्स में मिल सकते हैं, क्लियर। अब इनका क्लासिफिकेशन क्या हो जाएगा, चलिए क्लासिफिकेशन पर चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इसके बेसिस पर, बेस्ड ऑन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर ये तीन टाइप के होते हैं, नंबर वन मेटल्स, नंबर टू नॉन मेटल्स, नंबर थ्री मेटेलॉइड्स। ये भी आपने पढ़ा हुआ होगा, प्रीवियस क्लास में आपके टॉपिक था, ये चैप्टर था आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, वहां आपने पढ़ा होगा मेटल्स क्या होती है, नॉन मेटल्स क्या होती है और मेटेलॉइड्स क्या होते हैं। आइए देख लेते हैं इनकी प्रॉपर्टीज को। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ठीक है,
मेटल्स की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है? ये मैलिएबल होते हैं, शॉर्ट में हम डिस्कस करेंगे। मैलिएबल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ऐसी मेटल, जब हम किसी भी मेटल को ब्रोक करते हैं, तोड़ते हैं उसे, हैमर से उसे हिटअप करते हैं, तो क्या होता है वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाती है, पतली पतली शीट्स बन जाती है। तो मेटल्स में प्रॉपर्टी मिलती है, जैसे आपकी गोल्ड है, सिल्वर है, ये सबसे ज्यादा मैलिएबल मेटल्स हैं आपकी, मतलब इनकी पतली से पतली शीट्स बना सकते हैं। इवन 1 ग्राम गोल्ड से आप 2 किलोमीटर लेंथ ही क्या बना सकते हैं, शीट बना सकते हैं। सिल्वर फॉइल आपने देखी हुई होगी, देखिए ना, जो हम लंच बॉक्स पैकिंग के लिए यूज करते हैं, या आपने देखा होगा जो स्वीट्स पर ऐड होती है, ऊपर आपने देखा होगा सिल्वर की थिन फॉइल होती है, इसे आप काफी फॉइल को बहुत ही मिनिमम डायमीटर में या बोल सकते हैं रेडियस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये काफी मैलिएबल प्रॉपर्टी शो करती हैं। तो कौन सी प्रॉपर्टी है फर्स्ट हमारी, मैलिएबल, मेटल्स आर मैलिएबल। नंबर टू, मेटल्स आर डक्टिल। डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये पतले पतले वायर्स में आप बना सकते हैं, ठीक है, वायर्स बना सकते हैं बहुत ही पतले पतले। डक्टिलिटी सबसे ज्यादा, डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी भी किसकी होती है, गोल्ड की या सिल्वर की ही होती है, ठीक है। जैसे कि हम वायर्स यूज करते हैं घर में, सिल्वर के, एल्यूमिनियम के, ये सभी डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी शो करते हैं। नंबर थ्री है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं, मतलब ये हीट का भी कंडक्शन कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी का भी कंडक्शन कर सकते हैं। जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया कि सिल्वर है, जो सिल्वर है वो सबसे बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, बट ये काफी कॉस्टली होता है, इसीलिए हम एल्यूमिनियम के वायर यूज करते हैं घर पे, कॉपर के वायर यूज करते हैं, तो ये भी हमारे क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, क्लियर। इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करने के साथ साथ ये हीट का भी कंडक्शन करते हैं, जैसे कि कॉपर है, एल्यूमिनियम है हमारा, और अदर मेटल्स हैं। तो मेटल्स की ये थर्ड प्रॉपर्टी थी, मेटल्स जो हैं गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी, क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फोर्थ, मेटल्स आर लस्टरस। लस्टरस मींस इनका शाइनिंग सरफेस होता है, जिस मेटल का शाइनिंग सरफेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, लस्टरस, ठीक है। इनमें शाइनिंग होती है, चमक मारती है, ठीक है, ये शाइन डेवलप करती हैं। जैसे कि हमारा सिल्वर है, गोल्ड है, आपने देखा होगा जो ज्वेलरी मेकिंग के लिए यूज की जाती है, उनका एक ब्राइट शाइनिंग सरफेस होता है जो कि इजिली क्या होता है, खराब नहीं होता है, क्लियर। नेक्स्ट है हमारा, मेटल्स आर जनरली हार्ड। मेटल्स क्या होती है, हार्ड होती है, जैसे कि हमारा सबसे अच्छा एग्जांपल आयरन, आयरन देखा होगा सभी ने कितना हार्ड होता है, टफ होता है, ठीक है। नेक्स्ट, मेटल्स हैव हाई टेंसिल स्ट्रेंथ। मेटल्स की टेंसिल स्ट्रेंथ क्या होती है, हाई होती है। टेंसिल स्ट्रेंथ क्या होती है, मेटल जो है काफी वेट को कंटेन कर सकती है बिना टूटे। जैसे कि हमारा स्टील है जो कि आयरन का और कार्बन का मिक्सचर होता है, स्टील आयरन इसमें होता है और कार्बन होता है, ये काफी, इसकी टेंसिल स्ट्रेंथ काफी हाई होती है, मतलब ये बिना टूटे ज्यादा वेट को क्या कर सकता है, कैरी कर सकता है, उठा सकता है, लिफ्ट कर सकता है, ठीक है। तो टेंसिल स्ट्रेंथ भी हमारी क्या होती है, मेटल्स की काफी हाई होती है। नेक्स्ट, मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। सभी मेटल्स मोस्टली आपकी सॉलिड होती है रूम टेम्परेचर पर। रूम टेम्परेचर का मतलब नॉर्मली आप देखते हैं, जैसे आयरन आपने उठाया कैसा है, सॉलिड है, ठीक है। कार्बन आपने उठाई क्या है, सॉलिड है। केवल एक ऐसी मेटल है जो लिक्विड की फॉर्म में मिलती है, वो हमारी कौन सी है, मरकरी। ये हमारी एक मेटल है पर ये किसकी फॉर्म में मिलती है, लिक्विड की।
ये एक्सेप्शन है, ठीक है। मेटल्स का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्यों होता है? क्योंकि इनके बोन्स काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, जैसे कि आयरन है, इसका मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके बोन्स काफी स्ट्रॉन्ग है, इसके पार्ट एटम्स जो है वो काफी क्लोजली पैक्ड है, बहुत पास पास है, उन्हें तोड़ने के लिए। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कब ज्यादा होता है? जब बोन्स स्ट्रॉन्ग हो, उन बोन्स को तोड़ने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? हाई हो जाता है। सिमिलरली इनकी डेंसिटी भी हाई होती है, ठीक है, यहां हम नोट कर देते हैं हाई डेंसिटी। और ये सोनोरस की प्रॉपर्टी भी शो करते हैं। सोनोरस क्या होते हैं? मेटल्स क्या है? जब हम किसी भी मेटल को हीट करते हैं हैमर से, तो वो एक साउंड डेवलप करते हैं, ठीक है। जैसे कि रिंग होती है, स्कूल्स में भी आपने देखा होगा, रिंग बेल होती है, वो आयरन की होती है, जब उसे हम हीट करते हैं तो वो साउंड क्रिएट करती है। इसी प्रॉपर्टी को हम सोनोरिटी प्रॉपर्टी बोलते हैं, सोनोरस की प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी हमारी मेटल्स की। नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी इन्हीं के अपोजिट हो जाएगी। जैसे कि हमने फर्स्ट देखा, फर्स्ट प्रॉपर्टी थी हमारी मेटल्स आर मैलेबल, आप खुद नोट करेंगे उन्हें। मेटल्स क्या होती है? मैलेबल। बट नॉन मेटल्स आपकी मैलेबल नहीं होती है, वो ब्रिटल होती है। नॉन मेटल्स आर ब्रिटल इन नेचर। ब्रिटलनेस का मतलब क्या होता है? कि जब आप उनकी थिन शीट्स बनाते हैं तो ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है, क्लियर। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी बोलते हैं, क्लियर। सेकंड पॉइंट था हमारा नॉन मेटल, मेटल्स आर डक्टाइल। तो नॉन मेटल्स क्या हो जाएंगी? नॉन डक्टाइल हो जाएंगी, ठीक है, उसे वायर्स हम नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट था हमारा पॉइंट, नॉन मेटल्स आर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी का और हीट का कंडक्शन कर सकते हैं, जबकि नॉन मेटल्स नहीं कर सकते हैं। नॉन मेटल्स आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। केवल आपका एक डायमंड और ग्रेफाइट ऐसा एक्सेप्शन है। देखिए, डायमंड और ग्रेफाइट, ये एक्सेप्शन है, ये हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का। ये तो हीट का कंडक्शन नहीं कर, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं कर सकता, बट ग्रेफाइट कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कर सकते हैं। ये दोनों क्या है? ये एलोट्रोप्स हैं ऑफ कार्बन, ठीक है। एलोट्रोप्स का मतलब क्या होता है? जब एक ही आपका एलिमेंट अलग अलग फॉर्म में मिलता हो तो हम उसे क्या बोलते हैं? एलोट्रोप्स बोलते हैं, क्लियर। पहले सर ने तो अपने चैनल का नेम बता दिया, एलोट्रोप, ठीक है। तो एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन होता है, एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर भी होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी हमारी मेटल्स आर लस्ट्रस, मतलब इनका शाइनिंग सरफेस होता है। नॉन मेटल्स का शाइनिंग सरफेस नहीं होता है, तो नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस, ठीक है। इनका डल सरफेस होता है, आयोडीन को छोड़ के। आयोडीन एक हमारी ऐसी नॉन मेटल है जो शाइनिंग सरफेस रखती है, आप नोट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मेटल्स क्या थी? हमारी हार्ड थी। नॉन मेटल्स क्या हो जाएंगी? सॉफ्ट। केवल किसे छोड़ के? डायमंड को। डायमंड हमारा नॉन मेटल का ही क्या है? एरोट्रोप है, बट ये काफी हार्ड होता है। इससे हार्ड सब्सटेंस अभी तक नहीं पता किसी को भी, सबसे हार्ड सब्सटेंस है हमारा डायमंड। नेक्स्ट है हमारा मेटल्स जो है जनरली हार्ड हो गई, हमारा हो चुका है। टेंसिल स्ट्रेंथ हाई होती है मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स की क्या होगी? लो होगी। डेंसिटी भी लो होगी इनकी। ये सोनोरस की प्रॉपर्टी शो करते थे, मेटल्स नॉन मेटल्स नहीं करते हैं, ठीक है, उन्हें हिट करने पर कोई भी साउंड नहीं आता। मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, जबकि नॉन मेटल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कम होता है, डायमंड को छोड़ के। डायमंड क्योंकि हार्ड है तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी काफी हाई होगा, ठीक है। तो यहां हमने डिस्कस कर ली प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, इसी की हेल्प से हमने डिस्कशन कर लिया है नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी का। अब रिमेनिंग पार्ट है हमारा मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? मेटलॉइड्स कॉम्बिनेशन होता है दो डिफरेंट मेटल्स का, या एक मेटल का और एक नॉन मेटल का। कभी भी नॉन मेटल नॉन मेटल से रिएक्शन नहीं करती है। तो मेटलॉइड्स आपके कब बनेंगे? या तो मेटल मेटल से बॉन्डिंग करें, और या मेटल किससे बॉन्डिंग करें? नॉन मेटल से, ठीक है। तब हमारा क्या बनते हैं? मेटलॉइड्स बनते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, मेटलॉइड्स के एग्जांपल क्या लेते हैं? सिलिकॉन, जर्मेनियम,
टेलुरियम, आर्सेनिक, ये हमारे क्या है एग्जाम्पल्स है हमारे किसके मेटलॉइड्स के, मतलब दो मेटल या एक मेटल एक नॉन मेटल मिलकर क्या करती हैं, इसका फॉर्मेशन करते हैं हमारे मेटलॉइड्स का। इसका मतलब क्या हुआ, ये मेटल्स की प्रॉपर्टी भी शो करते हैं, नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टी शो करते हैं। ये कंडक्टर्स होते हैं, मेटल्स जो हमारे थे कंडक्टर्स थे, क्योंकि हीट का कंडक्शन कर रहे थे, ये हीट का कंडक्शन कर भी सकते हैं और नहीं भी, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज सेमी कंडक्टर्स। ओके, तो एलिमेंट्स हम पढ़ चुके हैं, टॉपिक उसके पार्ट्स पढ़ चुके हैं, क्लासिफिकेशन हो गया, मेटल्स नॉन मेटल्स मेटलॉइड सभी की प्रॉपर्टी आपको एक्सप्लेन कर दी, इन प्रॉपर्टीज को आप नोट करेंगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।